लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में अशोक स्तंभ पड़ता है बीच में, तो सोचे कि ये भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। हाँ, बहुत मेहनत हमने एक नया स्थल आप लोग के लिए ढूंढा है, आइए देखते हैं इसको। ये सरकारी ताला है, खोल नहीं सकता है, लेकिन हम जाएंगे जुगाड़ सिस्टम से। ये जगह है, इसे पास करेंगे, जो पहले पास कर जाए। आइए सुनिए। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस सूचना पट पे कुछ अंकित किया गया है, यानी कि इस बोर्ड पे कुछ लिखा गया है और ये सरकार के द्वारा दिए गए कुछ निर्देश हैं जिसे कि इस सूचना पट पे अंकित किया गया है और इसका पालन करना यहाँ के आम नागरिक और दूर दराज के क्षेत्र से आए पर्यटकों का कर्तव्य बनता है। तो आप लोग अशोक स्तंभ को देखने के लिए आगे भी मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस जगह का नाम लौरिया है और अरेराज लौरिया बोलेंगे ना। और ये मोनूमेंट जो है ये इसका नाम है अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत नजारा है, आप पैन करके पूरे एरिया को आप दिखा दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है अशोक स्तंभ जो कि महाराजा अशोक सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया है, काफी पुराना और प्राचीन जगहों में से एक है ये। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पाली भाषा में लिखा हुआ है जो कि काफी पुराना भाषाओं में से एक है। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये मिट्टी से दबा हुआ था, ये जब खुदाई हुई उसके बाद ये इसका थोड़ा सा दीवाल दिखा था, दीवाल दिखने के बाद यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरी खुदाई हुई और ये दबा हुआ था एक तरह से समझिए और ये उभर के बाहर आया, तब से ये ऐसा ही है। पुराना ईंटों से बना हुआ, पुराना इसमें जो ईंट का प्रयोग किया गया है वो काफ़ी पुराना है, अभी भी इस मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी मजबूती होगी, हालांकि हम लोगों ने तोड़ के देखा नहीं है बट अनुमान लगा रहे हैं। काफी खूबसूरत जगह है ये आपको अरेराज वाले रोड में, अरेराज से बेतिया जाने वाले रोड में मिलेगा और यहाँ से छोटा सा ट्यूबवेल भी है जिसे गांव में कुआं बोलते हैं जो कि अब पूरी तरीके से भर चुका है। यही है अशोक स्तंभ। सो गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अशोक स्तंभ हमारे पूर्वी चंपारण के अरेराज लौरिया में कब और कैसे स्थापित हुआ, तो फिर आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे उन्होंने पत्थरों के स्तंभों पे जो धर्मलेख खुदवाया था उसमें से एक पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज लौरिया में 249 ईसा पूर्व में लगाया गया था जो कि आप आज देख रहे हो और ये आज भी सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद ये धर्मलेख लिखवाया था और इस धर्मलेख स्तंभ का भार लगभग 34 टन है और यह 36.5 फीट लगभग लंबा है, यानी कि ऊंचा है। जैसा कि इतिहास में भी लिखा गया है, ऐसा इतिहास का मानना है। तो आपने अभी अभी देखा कि इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है जो कि शायद टूट चुका है। ये स्तंभ स्थल पर्यटन विभाग द्वारा आज भी संरक्षित है, सुरक्षित है। यहाँ हमें गार्ड साहब मिले थे जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। तो
वहाँ के हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी कभी यहाँ आने का मौका मिले तो आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। सुंदरीकरण करने का कार्य सरकार को करना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी अच्छा जगह है। अगर इसे और भी खूबसूरत बना दिया जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो अगर ये वीडियो अगर सरकार के किसी नुमाइंदे कोई नुमाइंदा देख रहा हो तो इस पर ध्यान, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। ये रहा मेरा फर्स्ट ब्लॉग और मुझे आशा है कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत 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 पसंद आने वाला है। तो अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।